जालौन पहुंची सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव निकाय चुनाव के आरक्षण पर बोले, बीजेपी आरक्षण विरोधी है, सरकार अगर सही तरीके से आंकड़े रखती तो ये चुनाव आगे नहीं बढ़ाना पड़ता। बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है, आने वाले समय में बाबा साहब संविधान में मिले अधिकारों का भी हनन करने से नहीं चूकेगी। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखे जाने पर बोले अखिलेश, भाजपा असली मुद्दों से भटकाना चाहती है, वह समाजवादी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है, लेकिन भाजपा सरकार ये नहीं जानती कि सपा कार्यकर्ता जेल भरने पर उतर आए तो इनके पास जेल कम पड़ जाएगी। इरफान सोलंकी पर बोले कि उनको बहराइच भेजा गया है, उनको महाराजगंज भी भेज दिया जाएगा तो हम उधर भी जाएंगे। भाजपा सरकार और उनके मुख्यमंत्री ये जान लें कि वर्तमान मुख्यमंत्री हमेशा नहीं रहता, पूर्व प्रधानमंत्री हमेशा रहता है। जालौन के उरई में पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपराज गुर्जर के आवास पर ये बयान दिया है। हमें कोई देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है। इरफान सोलंकी से आप मिलने का, उसके बाद उनके पास मुकदमा जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम है। सही कहा हुआ है, इस कार्यक्रम से भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, लेकिन शामिल आने का इरफान सोलंकी वाला पूछे रुको यार, लगातार आपने देखा इरफान सोलंकी, इसीलिए समाजवादी पार्टी का नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी फैसला लेंगे। इरफान सोलंकी से आप मिलने का, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे डाल के बहराइच जेल कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जो महाराजगंज जेल है हम महाराजगंज चले जाएंगे, देखें कहाँ भेजते हैं। तो ये कोई बात हुई? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है और वो ये एहसास दिलाना चाहती है कि अगर आप लीडर ऑपोजिशन हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद परमानेंट नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री परमानेंट है, और जो कैबिनेट के फैसलों पे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो समय आने पर उनके कैबिनेट के फैसले भी प्रश्न लगेंगे उनको। 24 के लिए संदेश क्या देंगे? 24 के लिए, 24 में जनता बीजेपी को हटा देगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना। चाचा जी अग्नि परीक्षा में पास हुए, अरे पत्रकार साथियों तुम ज्यादा पास हो गए। अरे भैया भैया, जैसे समाजवादी लोग अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जो चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, और निवेश के नाम पर धोखा दिया। याद कीजिए बुंदेलखंड में कहा था कि मिसाइल बनेंगी, बम बनेंगे। आज मुझे बताओ दिल्ली और लखनऊ की सरकार इतने दिनों से कहाँ मिसाइल बन रही है? तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए, इसीलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर छोटे मुकदमे लगा रहे। झांसी में विधायक को मार रहा है, विधायक से झगड़ा कर रहा है, एक विधायक दूसरे विधायक की पोल खोल रहा है, मंत्रियों की पोल खुल रही है, मुख्य सड़कें हुई नहीं, बिजली महंगी हो गई, 100 नंबर 112 होने के बाद भी नहीं चल पा रही है, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया। अगर इन बातों को आप करेंगे तो आप झूठे मुकदमे लगेंगे। इंडिया न्यूज ने झांसी लखनऊ का मेडिकल का विचार किया था, जो उसके कोरोना को लेकर के, उसमें देखा डॉक्टर नहीं पाए गए, डिप्टी सीएम ने कहा था कि इसको चेक करेंगे, क्या कहेंगे आप? डिप्टी सीएम कुछ भी नहीं है, डिप्टी सीएम को पूछ कौन रहा है? उनको बजट नहीं, डॉक्टरों को जो मिलना चाहिए वो सुविधा, मशीनें ऑफसीट हो गई, मेडिकल कॉलेजेस को बजट नहीं दे पाए, जिला अस्पतालों को बजट नहीं पाए, ना दवाई है, ना इलाज है, ना डॉक्टर है। आप बताइए, जहाँ नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, मशीनें नहीं चल रही, दवाई नहीं है, तो क्या गरीब का इलाज होगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचार कर रही है, हर व्यवस्था को बर्बाद कर। आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर के पोस्टर लगे हैं कार्यालय के, कोई बड़ा सवाल नहीं है भैया, अरे लगी है यार, हम हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियति नहीं थी कि आरक्षण मिले, और भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की समझ हमेशा आरक्षण करती रही है। और आपने चाहे प्राइवेटाइजेशन देखा हो, चाहे सरकारी नौकरियां देखी हो, चाहे भर्ती में भेदभाव देखा हो, चाहे
आपने कोई भी फैसला किया होगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किया है, आरक्षण विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी का परिणाम आज आपको हाईकोर्ट के माध्यम से देखने को मिला है। आज सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट सरकार बहानेबाजी कर रही है। अगर सरकार सही तरीके से सरकार सही तरीके से आंकड़े रखती तो ये नौबत ही नहीं आती कि चुनाव आगे बढ़ाना पड़ता और आरक्षण में ये फैसला आता। तो अभी तो केवल पिछड़ों पे हमला किया है, आने वाले समय में हो सकता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए हैं वो अधिकारों को भी खत्म कर देंगे। उस समय जब महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और न्याय के लिए आप उम्मीद नहीं कर सकते हो भारतीय जनता पार्टी पर, ये न्याय भी खत्म कर दिया और अगला कदम होगा कि लोकतंत्र के बहाने ये संविधान भी खत्म कर देंगे। कार्यकर्ता उन पर मुकदमे लिखते चले जा रहे हैं, देखिए ये जानबूझ करके असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता डर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। हमें अगर जेल जाने का अभियान करना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जल्दी तैयार होंगे। अखिलेश जी भी जेल जाएंगे अगर ऐसी स्थिति रही। अरे उन मैं बहुत सी बातें बोलता नहीं हूँ, आप ही समझते हो भैया। भैया मैं इरफान सोलंकी से, आप लोग वही है देखिए भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है। इरफान सोलंकी से आप मिलने का उसके बाद उनके पास मुकदमा जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम है। सही कह रहे इरफान सोलंकी से भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, लेकिन समाजवादी लोग अन्याय के खिलाफ जो चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और निवेश के नाम पर धोखा दिया। याद कीजिए बुंदेलखंड में कहा था कि मिसाइल बनेंगी, बम बनेंगे। आज मुझे बताओ दिल्ली और लखनऊ की सरकार इतने दिनों से कहाँ मिसाइल बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इसीलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर छोटे मुकदमे लगा रहे हैं। झांसी में विधायक को मार रहा है, विधायक से झगड़ा कर रहा है, एक विधायक दूसरे विधायक की पोल खोल रहा है, मंत्रियों की पोल खुल रही है, मुख्य सड़कें हुई नहीं, बिजली महंगी हो गई, 100 नंबर 112 होने के बाद भी नहीं चल पा रही है, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया। अगर इन बातों को आप करेंगे तो आप झूठे मुकदमे लगेंगे। इंडिया न्यूज ने झांसी लखनऊ का मेडिकल का रिसर्च किया था जो उसको कोरोना को लेकर के, उसमें देखा है डॉक्टर नहीं पाए गए, डिप्टी सीएम ने कहा था कि इसको चेक करेंगे, क्या कहेंगे आप? डिप्टी सीएम कुछ भी नहीं है, डिप्टी सीएम को पूछ कौन रहा है, उनको बजट नहीं, डॉक्टरों को जो मिलना चाहिए वो मशीनें ऑब्सलीट हो गई, मेडिकल कॉलेजेस को बजट नहीं दे पाए, जिला अस्पतालों को बजट नहीं पाए, ना दवाई है ना इलाज है ना डॉक्टर आप बताइए, जहाँ नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, मशीनें नहीं चल रही, दवाई नहीं है, तो क्या गरीब का इलाज होगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचार कर रही है, हर व्यवस्था को बर्बाद कर। आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर के पोस्टर लगे, कोई बड़ा सवाल नहीं है।